दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मुनव्वर राना। देश की जनता ने इतना प्यार दिया और उनको एक मशहूर मुशायर के रूप में उनको पूरी देश ने देखा। प्यार आपकी वजह से, आपने प्यार दिया तब वो मुशायर बहुत बड़े बने और उनकी जगह जगह तारीफ होने लगी। आज उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया है। आज उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि 35 करोड़ इंसान हैं और 100 करोड़ जानवर हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये संबित पात्रा को इंडिकेट करके इन्होंने ये ट्वीट किया है और ये पूरे 100 करोड़ हिंदुओं के मुंह पर तमाचा है। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने उसके बाद ट्वीट में कहा है जो 35 करोड़ लोग हैं वो खुशहाल हैं और 100 करोड़ लोग हैं मतलब उनकी जो जिंदगी है वो बहुत बर्बाद हो चुकी है। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया है उसके बाद में उसको रिकवर करने के लिए कि आप लोगों ने ये गलत समझ लिया है। गलत नहीं समझा, वो सीधा सीधा वो जो बारिश पठान ने कहा था वही आज मुनव्वर राना ने कहा है। आपने देखा था कि लखनऊ के अंदर मुनव्वर राना की बेटी भी खुलेआम साइन बाग के समर्थन में खड़ी हुई थी। ये वही लोग हैं जिनको 100 करोड़ लोगों का प्यार मिलता है और उसके बाद उन्हीं के लिए ये जहर उगलने का काम करते हैं। चाहे आप नसरुद्दीन शाह की बात कर लें, चाहे फिर आमिर खान की बात कर लें। वही आमिर खान की बीबी को देश के अंदर डर लगता था, आज वो खूब आराम से मजे से जिंदगी जी रही हैं। आज तक उनको डर नहीं लगा, परंतु उस टाइम पर डर लगा था जिस टाइम पर इलेक्शन थे। इलेक्शन के बाद उनको ना तो डर लगा है। तो वही आप देख सकते हैं कि जो देश के अंदर जो ये एक तरह का कह सकते हो कि एक तरह का ये भी जिहाद है, ये कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट जिहाद है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के जहन में डाला जा रहा है। वारिस पठान 15 करोड़ कहते हैं, मुनव्वर राणा 35 करोड़ कहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इनकी जो भाषा है और इनका जो मानसिकता है वो सेम एक जैसी है। चाहे ओवैसी है, ओवैसी ब्रदर भी है, वो भी इसी बात को इसी तरह की बातें करते हैं कि 15 करोड़ ये कर देंगे वो कर देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो देश के अंदर का माहौल जो इस तरह का इन्होंने किया है, अब इन्हीं की वजह से आज बंगाल के अंदर जो वारिस पठान, ओवैसी और फिर मुनव्वर राना के ऐसे बयानों की वजह से आज बंगाल के अंदर हिंदू पलायन कर रहे हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की कॉलोनियों को, घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके ऊपर सरेआम उनके ऊपर तलवारों से और तरह तरह के हथियारों से हमला किया जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है। तो इस तरह का ये षड्यंत्र और ये एक तरह से बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ने की जो साजिश चल रही है वो कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई देती है। अब इससे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये एक माहौल किस तरह का चल रहा है। ये मुनव्वर राना का ट्वीट देख लीजिए, चाहे वारिस पठान का बयान देख लीजिए, चाहे ओवैसी का 15 मिनट का पुलिस हटा दीजिए वो वाला भाषण देख लीजिए। तो ये जड़ कहीं ना कहीं ये जमती हुई जा रही है और ये कहीं ना कहीं इस जड़ का एक ही मकसद है कि जो जहां पर 40% से ऊपर मुस्लिम होते हैं वहां से हिंदुओं का कत्लेआम करना शुरू हो जाता है। चाहे आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर से 1990 के अंदर 4 से 4.5 लाख लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा था। कारण सिर्फ यही था कि वो भी यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, हम भाई भाई हैं। भाई भाई के चक्कर में उनके जान पर आ गई और उन्होंने पुलिस और आर्मी का साथ लेकर के, समर्थन लेकर के तब उन्होंने कश्मीर को छोड़ा। वहां पर छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा था, मतलब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी वही अत्याचार किए गए थे जो बड़े लोगों के ऊपर भी किए गए थे, जिन्होंने जैसे तैसे जान बचा करके वहां से भागे थे। आज वही दर्दनाक कहानी आपने कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर देखी थी। दिल्ली के अंदर जब अमित शाह ने एक्शन लिया तब जाके वो कंट्रोल हुई। तो आपने कश्मीर के बाद दिल्ली को देखा था और दिल्ली के बाद अब बंगाल। अगर दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ना होते हुए और गृह मंत्री अमित शाह नहीं होते तो वही हाल जिस तरीके से 1990 के अंदर जो कश्मीर के अंदर हुआ था वही हाल दिल्ली के अंदर होता। अगर इस तरह का वहां पर जो कम समय के अंदर जो वहां की प्रशासन को और आर्मी को लगाया गया और कंट्रोल में वो माहौल को किया गया, अगर ये सरकार सही समय पर ये निर्णय नहीं लेती तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी वही कश्मीर की तरह हाल होता और वहां से भी हिंदुओं को पलायन करना पड़ता।
जैसे 4 लाख 4.5 लाख लोगों ने कश्मीर से पलायन किया था, यहां पर करोड़ों में पलायन करना पड़ता। जैसे आपने देख लिया कि एक इनडायरेक्टली पलायन तो खैर अभी चल ही रहा है इस महामारी के दौर में, तरह तरह की फुटेज आ रही हैं, तरह तरह के विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, उन शॉर्ट्स को देख करके आत्मा रोती है जब एक माँ अपने बच्चे को ट्रॉली बैग के ऊपर लाद करके ले जाती है, तो आंखों में आंसू आते हैं कि मतलब जहां से वो गुजर के आते हैं वहां पर क्या प्रशासन और ये जिस जगह से वो पलायन कर रहे हैं वहां की सरकारें क्या मर चुकी हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और सरकारें मर चुकी हैं तो हाथ खड़े कर दें राष्ट्रपति शासन लागू कराने के बाद, फिर उसके बाद देखें कि क्या स्थिति सुधरती है। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री से जब राज्य नहीं चलता है तो उसके ऊपर फिर राष्ट्रपति का शासन लगता है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जैसा कि दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो कोरोना की जो एक रिपोर्ट आती थी वो भी अब कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। जो अंतिम संस्कार है एक बुजुर्ग है उनका, 18 दिन तक अभी उनके परिवार के लोग भी तड़फ रहे हैं कि अंतिम संस्कार कर दिया, 18 दिन पहले उनकी मौत हो गई है, वो अभी तक तड़फ रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार कर दें। ये स्थिति दिल्ली की है, आप समझ सकते हैं दिल्ली आपने बहुत अच्छे लोगों के हाथ में दी है। और दूसरी बात अगर हम करें कि बंगाल उससे भी ज्यादा अच्छे हाथों में है, जो ममता दीदी है, ममता दीदी ने वो आतंक मचाया हुआ है बंगाल के अंदर, गली गली में और जगह जगह आप देख सकते हैं पथराव होते हुए नजर आते हैं। कभी ट्रेन के ऊपर पथराव होता है तो कभी बसों के ऊपर होता है तो कभी पूरी एक समुदाय के ऊपर पथराव हो जाता है। ये स्थिति बंगाल की है, बंगाल को कहीं ना कहीं ये ममता दीदी बांग्लादेश से जोड़ना चाहती हैं, इस तरह का सोशल मीडिया कहने में लगा हुआ है कि सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह की टिप्पणियां चली आ रही हैं। सोशल मीडिया का यही एक ट्रेंड है, आप कहीं ना कहीं बर्निंग बंगाल ट्रेंड कर रहा है, और जिस ट्रेंड के माध्यम से वहां की असलियत पता चल रही है कि वहां पर चल क्या रहा है। वहां पर डीएमएस डीएमएसएसपी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, जब तक दीदी का आदेश नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। अब ये स्थिति वहां पर यह है, बंगाल के अंदर जो गलियों के अंदर जो तांडव मचाया हुआ है, तलवारें लेकर के, लठ लेकर के, पेट्रोल बम और बम जैसे हथियारों को ले लेकर के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, ये स्थिति अब बंगाल की बन चुकी है। समय रहते हुए अगर केंद्र सरकार नहीं जागी तो स्थिति वहां पर और भयावह हो जाएगी। जैसे कि आपने कुछ समय पहले देखा था कैलाश विजयवर्गीय बंगाल जाते हैं, उनका भी घेराव कर दिया जाता है, पुलिस हाथ खड़े कर देती है। उससे पहले एक आप कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उनका भी जो चुनाव प्रचार के समय भी जो अमित शाह के चुनाव प्रचार की गाड़ियों के आसपास जो तोड़फोड़ हुई थी वो भी उनको एक दहशत फैलाने के लिए किया गया था। वाकई वो एक टेलर था, अभी भी टेलर से अपडेट हो चुके हैं, पहले एक दो घर जलाए जाते थे अब हजारों में घर जलाए जा रहे हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं, चल दिए हैं वहां से अपने बैग वैग ले लेके, कह रहे हैं कि हम 100 से 200 की संख्या में हैं, अब क्या करेंगे जब यहां पर कमाने खाने लायक कुछ बचा ही नहीं है, अपनी जान बचा करके कम से कम यहां से निकल तो जाए। ये स्थिति अब बंगाल की है, केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेकर के लेते हुए अब यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और बखूबी जो एनआरसी और सीए का कानून है उसको बखूबी बंगाल के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने के बाद वहां पर जो संख्या निकलती है उनको सीधा डिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है बंगाल के अंदर। तो बंगाल की ममता दीदी हैं, वो चाहती हैं कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के ऊपर वो खेल रही हैं। एक समय था बांग्लादेशियों के और रोहिंग्याज के ऊपर संसद में आकर के उन्होंने कहा था कि या तो इनके लिए कानून लेके आओ और इनको भगाओ, और पेपर फाड़ दिया। तो ये स्थिति थी उस समय, और आज उन्हीं की वो हमदर्द होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये स्थिति अब बंगाल की है, राजनीति है कहाँ से कहाँ ला करके बैठा देती है। तो ये दीदी का खेल बहुत ज्यादा दिन का नहीं बचा है, बहुत जल्दी ही खेल खत्म होने वाला है। अब जो स्थिति है देश के अंदर, कहीं ना कहीं कुछ सेक्युलर हैं वो, जो अपने आप में कहते हैं कि हमको क्या मतलब पड़ता है ऐसे लोगों से और क्यों हम इनकी बुराइयां लें। ये कहीं ना कहीं सही मतलब अपनी नजर में सही है, अगर उनको जिनको लगता है कि हम हिंदू मुस्लिम राइट्स की बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम झगड़े की हम चर्चा करते हैं, तो उनको
यहां से खड़े होकर के वीडियो जो देख रहे हैं उन लोगों को जो कहते हैं ना कि हम सेक्युलर है, हमको क्या पता, हमें क्या मतलब है ऐसी चीजों से, उनको जाकर के वहां पर छोड़ देना चाहिए, या फिर दिल्ली वाले कांड के बीच में छोड़ देना चाहिए। 3 दिन चला था वहां पर, 3 दिन वहां पर छोड़ देना चाहिए थे। असलियत तो उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और जिस तरीके से मुनव्वर राणा ने कहा है कि जो 100 करोड़ जानवर हैं वही जानवरों को अब बंगाल के अंदर काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मतलब वही 100 करोड़ हैं गिनती में जो आते हैं, तो ये स्थिति है। और एक तरफ जो वारिस पठान ने कहा था कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी होंगे, तो वो स्थिति अब कहीं ना कहीं दिल्ली में देखी गई, उसके बाद अब बंगाल में देखने को मिल रही है। दूसरे एक समुदाय के ऊपर अत्याचार और हमला बराबर किए जा रहे हैं, जिसका जैसा मौका लग रहा है वो जाके चढ़ाई कर दे रहा है। अब ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे जो हमले हैं और ऐसी षड्यंत्र हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया जाए, उनको रोका जाए। और ममता दीदी आंख बंद करके कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन किया है आराम से सो रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे राज्य के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं दहशत में हैं, जिस गली के अंदर घुस जाते हैं उसी गली के अंदर हाहाकार चीखें सुनाई देती हैं, और जो लोग बच जाते हैं अपने आप को छुपा लेते हैं तो वो दहशत में रहते हैं। ये स्थिति बंगाल की बन चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल के अंदर ये 40-42% लोग हो चुके हैं, तो ये स्थिति कैसी पैदा कर दी है। अगर यही हाल अगर पूरे हिंदुस्तान में होगा तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा, और सरकारें जो आज राष्ट्रवादी सरकारें जो कहते हैं वो सरकारें ख़त्म हो जाएंगी, उनका तो कोई नामो निशान नहीं है। जैसा कि कुछ आंकड़े हैं कि जहां पर 40-42% ये समुदाय हो जाता है तो इन्हीं के समुदाय का सांसद विधायक होते हैं और फिर शासन प्रशासन भी उन्हीं के कहने के अनुसार चलता है, क्योंकि इनका तो सीधा सीधा है। जैसे कि ओबीसी के जो बैनर्स लगे हैं उसमें तो कहा गया है कि हम अदालत और कानून को नहीं माने और सीधे सीधे मौलवी और उलेमाओं के पास जाएं, वहां पर अपने केसेस होते हैं उनसे सुलझाएं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सीधा सीधा साफ 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 दर्शाता है कि ये शरीयत कानून को लागू करना चाहते हैं। ये स्थिति है कि खुले आम पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अगर उसी पोस्टर को लेकर के अगर जय श्री राम, या जैसे कि आपने देखा झारखंड के अंदर हिंदू सब्जी वाला है तो उसने लिख दिया और पोस्टर लगा दिया, तो उसके ऊपर FIR करके पुलिस ने उसको जेल के अंदर भेज दिया। या फिर आप जैन बेकरी की बात करें, उसको मतलब ये उनकी भावनाएं ठेस पहुंच गई, क्योंकि ये इस तरह के षड्यंत्र हैं। और बाद में पता चला जैन बेकरी वाला जो था वो भी एक प्रायोजित प्रोग्राम था, कहीं ना कहीं वही मुस्लिम लड़का निकला उसके बीच में जिसने उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया था जैन बेकरी वाले को, और उस पर एडिट करके वो डाला गया था। चीज़ों से सतर्क और सावधान रहना है, अपने आजू बाजू में ये सब चीज़ें देखते रहना है कि कोई गलत घटना घट तो नहीं रही है। अगर घट रही है तो आपको आवाज़ उठानी होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।